दोस्तों दैनिक ट्रिक्स में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम सभी के मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होती हैं, बहुत सारे ऐप इंस्टॉल होते हैं, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप्स हम इंस्टॉल करके रखते हैं। तो जब भी हम अपने मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करते हैं तो उन हमारे मोबाइल में जितने भी ऐप्स हैं उन सभी के नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल में आना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन बार में हम उन नोटिफिकेशंस को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि देखिए व्हाट्सएप से यहाँ पर कुछ मैसेज आए हुए हैं, कुछ नोटिफिकेशन है, यहाँ पर कुछ ये दूसरा ऐप है, यहाँ पर एक्स जेंडर की तरफ से भी कोई नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब भी हम अपने मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन को ऑन करते हैं तो हमारे मोबाइल में जितने भी ऐप्स होते हैं उन सभी से नोटिफिकेशन आना शुरू हो जाते हैं। और हमारे मोबाइल में कुछ ऐप्स तो ऐसे होते हैं जैसे यूसी न्यूज़, या इसके अलावा भी बहुत सारे ऐप्स होते हैं जिनके नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल में पूरा दिन आते रहते हैं, जैसे कि वीडमेट, यूसी न्यूज़, इसके अलावा जितने भी न्यूज़ एप्लीकेशन हैं उन सभी के नोटिफिकेशन हमारे मोबाइल में हर 5-10 मिनट के बाद आते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हमारे मोबाइल में जो ऐप्स होते हैं उनकी नोटिफिकेशन को कैसे बंद करते हैं। नोटिफिकेशन आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर जो मैसेज आते हैं उन्हें नोटिफिकेशन बोलते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि हम कैसे अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे वीडियो डेली आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, ठीक है। मैं सेटिंग ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद देखिएगा आपको एक नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलेगा अपनी अपने मोबाइल की सेटिंग में आपको, ठीक है। तो आपको उस नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे। इसके बाद आपको देखिएगा एक ऑप्शन मिलेगा ऐप नोटिफिकेशंस का। ये ऑप्शन मेरे मोबाइल में सबसे ऊपर है, आपके मोबाइल में नीचे की साइड में भी हो सकता है। आपको सिर्फ नाम पर ध्यान देना है, यहाँ पर ऐप नोटिफिकेशन नाम होना चाहिए। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल में जितनी भी ऐप्स इंस्टॉल होंगी उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। तो आपको जिस भी ऐप की नोटिफिकेशन को बंद करना है, आपके मोबाइल में जिस ऐप की सबसे ज़्यादा नोटिफिकेशन आती है आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मेरे मोबाइल में मैं व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को बंद करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे कि आप किस किस टाइप की नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं। अगर आप सभी प्रकार की नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो आपको ये वाली सेटिंग है, इसको ऑफ कर देना है। इसके अलावा और भी यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से इनको बंद या चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम्प्लीटली उस ऐप की नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं तो ये जो सबसे ऊपर वाली सेटिंग है आपको इसको ऑफ कर देना है। जैसे आप इसको ऑफ करेंगे तो सारी की सारी ये जो सेटिंग है ये सारी की सारी ऑफ हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को कम्प्लीटली बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा आपको ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।